करेंगे सर्दियों के मौसम में कौन सी सब्जियां लगाएंगे। इसमें सबसे पहले नाम आता है टमाटर का। टमाटर को हम सीड से ग्रो करते हैं और टमाटर में बहुत सारी वैरायटी आती है। पहले हम इसकी पॉट तैयार करते हैं, फिर इसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं। यह है टर्निप यानी शलजम। शलजम को भी हम सर्दियों में ग्रो करते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है और इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसकी सीडलिंग नहीं तैयार करते, इसको हम डायरेक्ट सॉइल में लगाते हैं। यह है कैरेट यानी गाजर। गाजर को भी सर्दियों में ग्रो करें, यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको भी डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं। कॉलीफ्लावर यानी गोभी। गोभी को भी सर्दियों में ग्रो किया जाता है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। पहले हम इसकी पॉट तैयार करेंगे, फिर इसको किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। 6 इंच की पॉट तैयार हो जाने के बाद इसे हम बड़े पॉट में लगाते हैं। यह है मटर। सर्दियों में इसको ग्रो किया जाता है, मटर सभी को बहुत पसंद होती है। इसकी हम डायरेक्ट सीडलिंग करेंगे, इसे हम पौध नहीं तैयार करते अलग से, इसकी सीडलिंग डायरेक्ट की जाती है। कोरिएंडर को भी सर्दियों में ग्रो किया जाता है। अपने किचन गार्डन में धनिया उगाना सबको बहुत ही पसंद है, इसकी भी डायरेक्ट सीडलिंग की जाती है। आप चाहें तो पहले इसे जर्मिनेट कर सकते हैं, फिर इसकी सीडलिंग करें। यह है ब्रिंजल का प्लांट। सितंबर मंथ में ब्रिंजल प्लांट की सेटलिंग कर लें और जब इसकी पॉट तैयार हो जाए तो इसे हम 10 से 12 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसकी सॉयल वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब 6 से 8 इंच का पौधा हो जाता है तब हम इसे 10 से 12 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अच्छी फ्रूटिंग आएगी। यह कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी सर्दियों में ग्रो किया जाता है। पहले हम इसकी पॉट तैयार करेंगे, फिर इसे किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। इसमें 3G कटिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पा सकते हैं। यह है पालक। पालक यानी स्पेनिश। इसकी भी डायरेक्ट सीडलिंग की जाती है, इसके लिए सॉयल वेल ड्रेन होनी चाहिए। चिली प्लांट को भी सर्दियों में ही ग्रो किया जाता है। सितंबर अक्टूबर मंथ में इसकी सीडलिंग की जा सकती है। पहले हम इसकी पॉट तैयार करेंगे, फिर इसको किसी बड़े पॉट में लगाएंगे। 3G कटिंग करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।